टाटा मोटर्स और गोल्ड स्टोन इंफ्राटेक BYD ज्वाइंट वेंचर देश के करीब 9 शहरों में अपने इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई करेगा। दोनों कंपनियों ने इलेक्ट्रिक बसें सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट को पाने में महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स और JBM सोलरेस भी मौजूद थी, लेकिन टाटा मोटर्स और गोल्ड स्टोन द्वारा लगाई गई बोली मार्केट प्राइस से तकरीबन 30 गुना कम है। बोली में मौजूद इनकी प्रतिद्वंदी कंपनियों का कहना है कि इतनी कीमत पर इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई से मुनाफा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक बसों के लिए काफ़ी कम बोली कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए दी गई है। केंद्र सरकार के हैवी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक बसों कीमत के लिए फेम स्कीम के तहत बड़ा हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा। इसी योजना के तहत पिछले 2 महीनों में 10 बड़े शहरों ने इलेक्ट्रिक बसों के लिए टेंडर मंगाए थे। आपको बता दें कि टाटा मोटर्स ने 6 शहरों जयपुर, इंदौर, लखनऊ, कोलकाता, जम्मू और गुवाहाटी को 190 इलेक्ट्रिक बसें सप्लाई करने के लिए सबसे कम बोली लगाई है। वहीं गोल्ड स्टोन इंफ्राटेक और चीन की BYD ज्वाइंट वेंचर 3 शहरों बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद में 290 इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई करेगी। इन दोनों कंपनियों के अलावा अशोक लेलैंड ने अहमदाबाद में 40 इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। इन शहरों में टेंडर निकलने के अलावा ये सभी कंपनियां दिल्ली के 700 इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर के इंतजार में हैं। दिल्ली ने अभी 700 बसों का टेंडर नहीं दिया है, लेकिन ये सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां इस टेंडर को हासिल करने के लिए काफ़ी बेताब हैं। आपको बता दें कि गोल्ड स्टोन BYD ने सप्लाई ऑपरेट बेसिस पर हैदराबाद के लिए 3600 रुपये प्रति किलोमीटर और बेंगलुरु के लिए 29 रुपये 28 पैसे प्रति किलोमीटर के सबसे कम बिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। फेम स्कीम के तहत खरीद या सप्लाई ऑपरेटर बेसिस पर शहरों को सीधे इलेक्ट्रिक बसें लेने के लिए 60% सब्सिडी दी जाएगी। खबरों की माने तो पता चला है कि टेंडर की शर्त अलग होने की वजह से 10 शहरों में सीधे खरीद और सप्लाई ऑपरेटर मॉडल में कीमतों का काफ़ी अंतर देखने को मिला है। नेक्स्ट 9 टेक की रिपोर्ट।